का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब देश और विदेशों का पूरा बाजार मोबाइल पर आ गया है। आज लोग बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं के बिलों का भुगतान चुटकियों में कर रहे हैं। पिछले 4 साल में हमने डिजिटल एम्पावरमेंट के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया को संकल्प बताया और कहा कि डिजिटल इंडिया देश के सामान्य व्यक्ति को, किसानों को, गरीबों को, युवाओं को और गाँवों को डिजिटल की दुनिया से जोड़ने का एक संकल्प था। महाराष्ट्र के जलगांव में दलित युवकों को पीटने और नंगा घुमाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी और अरस की मनुवादी की नफरत की जहरीली राजनीति के खिलाफ अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। बता दें कि जलगांव के बाकड़ी में 3 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 5वां दिन था। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करेंगे। पार्टी ने ऐलान किया कि उपराज्यपाल सुन नहीं रहे हैं, इसलिए पीएम तक बात पहुंचाई जाएगी। पार्टी ने ऐलान किया कि शाम 5 बजे राशन की होम डिलीवरी के लिए सभी विधायक चावल के एक पैकेट को प्रधानमंत्री को पार्सल करेंगे। कहा जाएगा कि दिल्ली के लोगों का राशन बंद मत कीजिए। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भदोही से पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पौधों तक को पहचानने की समझ नहीं रखने वाले राहुल गांधी किसानों का दर्द कभी नहीं समझ सकते हैं। सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर किसान आंदोलन के साथ राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी जब लंगोटी पहनी थी तभी वो देश की पीड़ा को समझ पाए थे। विहिप ने अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA की जमकर आलोचना की है। विहिप ने कहा है कि CIA द्वारा विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल को उग्रवादी धार्मिक संगठन घोषित करना घोर आपत्तिजनक, अपमानजनक और तथ्यों से परे है। ये संगठन पूर्ण रूप से देशभक्त है और इसकी गतिविधियां राष्ट्र को प्रेरित हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पत्रकार शुजात बुखारी के जनाजे में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनको आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए और आतंकियों को करारा जवाब दिया। घाटी की जनता ने आतंकियों को एक बार फिर से दिखा दिया कि वो उनके मंसूबों के पूरी तरह खिलाफ है। शुजात बुखारी की हत्या का मतलब लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दमघोटू हवाएं चल रही हैं क्योंकि हवा में धूल घुल चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धूल भरी आंधी में उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर में AC कमरे में सोफे पर जमकर धरना दे रहे हैं। हालांकि आज 5वें दिन केजरीवाल ने वीडियो जारी कर धूल संकट पर चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल धूल संकट के लिए IS बिरादरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि पर्यावरण सचिव 4 महीनों से मीटिंग में आ ही नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब सुरक्षा बल चिंता गुफा दोरनापाल के जंगली इलाके में कॉम्बेल कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। इन माओवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। धूल के गुबार से परेशान दिल्ली NCR में हालात गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली से कई जगह तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यहाँ प्रदूषण नापने की मशीनें भी फेल हो गई हैं। दिल्ली में एयर इंडेक्स 431 दर्ज किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिन बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि अगले दिन 3 दिन का PM स्तर 10 तक खतरनाक लेवल पर होगा। वहीं NCR में सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा है, यहाँ एयर इंडेक्स 500 दर्ज किया गया। शुजात बुखारी की हत्या पर राइजिंग कश्मीर ने अपना विरोध जताते हुए आज एडिशन के पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर को ब्लैक बैकग्राउंड के साथ प्रकाशित किया है। तस्वीर के साथ एक संदेश भी दिया गया है कि अखबार ऐसी घटनाओं से डरने वाला नहीं है। राइजिंग कश्मीर किसी भी हालत में हमेशा अपने उसूलों पर चलते हुए सच को सामने लाता रहेगा। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस इनपुट के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था अपनाने के साथ ही सैटेलाइट से भी निगरानी रखने की योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकी मुल्ला फजलुल्ला के मारे जाने से मुल्ला रेडियो खामोश हो गया है। अमेरिका ने ड्रोन हमले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना फजलुल्ला को मार गिरा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के पूर्वी कुमार प्रांत में आतंकी मुल्ला फजलुल्ला को निशाना बनाया था।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों को अब टोल देना होगा। आधी अधूरी व्यवस्था के बीच एक्सप्रेसवे पर टोल का काम शुरू कर दिया गया है। कंप्यूटर और नेट ना होने के कारण अभी लोगों को टोल की पर्ची डिजिटल नहीं दी जा रही है, बल्कि कर्मचारी अपने हाथ से लिखी हुई पर्ची ही टोल की दे रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक्टर बॉबी देओल इस फिल्म से इंडस्ट्री में फिर से वापसी कर रहे हैं। उन्होंने बॉडी भी बनाई है और लुक्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। देओल परिवार बॉबी की फिल्म जगत में वापसी को लेकर काफी उत्साहित है। सनी देओल ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बॉबी देओल को शुभकामनाएं दी है और रेस 3 के साथ अपनी स्पेशल कनेक्शन बताई है। भारत में जहां 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्मों को ऑल टाइम बेस्ट सफल माना जाता है, वहीं हॉलीवुड में यह आंकड़ा कुछ बड़ा है। हॉलीवुड में 1 खरब की कमाई करने वाली फिल्मों का एक क्लब है जिसमें अभी तक सिर्फ 4 ही फिल्में शामिल हो पाई हैं और बतौर चौथी फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इस क्लब में नई सदस्य चुनी गई है। एवेंजर्स के लिए अचीवमेंट बहुत बड़ा है क्योंकि इस फिल्म के मात्र 48 दिनों में इस मुकाम को इसने हासिल किया है। दिनभर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।